ये तलवार कुंभकर्ण की है। आकार देखकर उड़ गए होश। श्रीलंका में खुदाई में निकली विशाल तलवार। भारत से श्रीलंका के बीच समुद्र पर श्रीराम सेतु बना हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। और श्रीलंका ही वो जगह है जहां रावण का राज था, ये भी साबित हो चुका है। रामायण से जुड़े किरदार और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में जानने को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा रहती है। अक्सर लोग इंटरनेट पर रामायण से जुड़ी कई चीजों के बारे में पढ़ते और खोजते हैं। खासकर श्रीलंका में जाकर रामायण से जुड़े तथ्यों और स्थानों के बारे में रिसर्च भी की जाती है। आपको बता दें कि रामायण में किरदार कुंभकर्ण का भी था, जो रावण का बलशाली भाई था। कुंभकर्ण के वजन और आकार को अगर आपने देखा और जाना होगा तो पता ही होगा कि कुंभकर्ण एक विशाल मानव था जिसमें हजारों हाथियों का बल था, जिसकी भुजाएं ही कई मीटर तक लंबी थी। अब कुंभकर्ण अगर इतना विशाल था तो उसकी तलवार भी वैसी ही होगी। तो क्या ये तलवार उन्हीं कुंभकर्ण की है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें श्रीलंका में कुंभकर्ण की विशालकाय तलवार मिलने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर न जाने कितने ही लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है और हर पोस्ट में यही लाइन लिखी है, श्रीलंका में मिली कुंभकर्ण की तलवार, रामायण कोई मिथक नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रामायण में वर्णित लंका के राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की 5000 ईसा पूर्व की विशालकाय तलवार मिलने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गुफा में विशाल तलवार नजर आ रही है, जिसे कुंभकर्ण की तलवार बताया जा रहा है। एक्स और फेसबुक पर शेयर हो रहा 14 सेकंड का ये वीडियो स्लाइड शो में बनाया गया है, जिसमें 4 स्लाइड आती है। 4 में से 2 स्लाइड में गुफा के अंदर का नजारा है, जिसमें कुछ लोग तलवार के पास खड़े नजर आ रहे हैं, जिनके चेहरे बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहे, जबकि 2 स्लाइड में बाहर का दृश्य नजर आ रहा है, जिसमें एक बड़े से गड्ढे में विशालकाय तलवार नजर आ रही है, जिसके आगे लोग बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। तो क्या ये तस्वीरें सच हैं? इसके पड़ताल करने पर पता चलता है कि सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। दरअसल तस्वीरों में तलवार के पास खड़े लोगों के चेहरे साफ नहीं है। दूसरी बात ये कि चारों तस्वीरें अलग अलग दिखाई दे रही है, चारों में कोई समानता नहीं है। तलवारों के चित्र भी भिन्न भिन्न लग रहे हैं, साथ ही इनमें अतिरिक्त चमकदार बनावट दिख रही है, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि इन तस्वीरों को बनाने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। यानी जिन तस्वीरों के आधार पर कुंभकर्ण की तलवार मिलने का दावा किया जा रहा है वो फर्जी है। इस खबर पर आपकी जो राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK News, राष्ट्र के नाम।